बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विज़मा बिलाल और जनाब आज की जो वीडियो है उसमें हम प्रेजेंटेशन देखेंगे फर्स्ट ईयर का उर्दू का फुली सॉल्ट पेपर, कि आपने उसको किस तरह से अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन को कितनी लेंथ देनी है उसके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। और मेन जो है उसमें हम हेडिंग्स और प्रेजेंटेशन के हवाले से डिस्कशन करेंगे, सो डैट आपका पेपर इतना ज़बरदस्त अटैम्प्ट हो, इतना ब्यूटीफुली अटैम्प्ट हो, प्रेजेंटेशन हेडिंग्स और सब कुछ इतनी अच्छी तरह से मैनेज किया हुआ आपने कि आपके मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे हैं उर्दू में। अच्छा, इस प्रेजेंटेशन के लिए जस्ट आपको क्या चाहिए, 2605 कट मार्कर, और अगर 605 कट मार्कर अवेलेबल नहीं आपके एरिया में तो आप जो है वो कोई भी सिंपल ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर को 605 कर सकते हैं कटिंग करके। मैंने कटिंग भी अपनी एक वीडियो में दिखाई होगी आपको, पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाले चैनल में आप देख सकते हो। अच्छा जी, तो एक 605 जो है कट मार्कर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये देखें, मैंने इसको इस तरह से डबल जो है वो कट किया हुआ है कि जब हम आउटलाइंस बनाएं, हेडिंग्स के नीचे अंडरलाइन करें या मार्जिन लाइंस ड्रॉ करें तो हम इससे डबल जो है वो लाइंस ड्रॉ हो, और इससे जो है वो ज़रा हेडिंग्स की भी खूबसूरती हो जाती है और आउटलाइन भी अच्छी लगती है और दूसरा मार्जिन लाइंस भी अच्छी लगती है। 1605 कट मार्कर जो है वो ये मेन हेडिंग्स के लिए, ये जो मेन हेडिंग्स हमने देनी है, और सिंपल 604 कट मार्कर जो है वो ब्लैक या ब्लू कोई भी ले सकते हो, वो सब हेडिंग्स के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चंस के अंदर सब हेडिंग होगी मैं आगे बताती जाऊंगी। मीन्स टू से पेपर हल करने के दौरान जो है हमें सिर्फ 605 604 कट मार्कर और एक इंक पेन चाहिए, और मार्जिन लाइन्स और हेडिंग्स अंडरलाइन करने के लिए एक 605 कट मार्कर अलग से चाहिए जिसे हमने कटिंग की होगी इस तरह से कि एक बारीक और एक मोटी जो है इस तरह से लाइन आएगी और इस तरह से अंडरलाइनिंग बहुत प्यारी लगती है। अच्छा जी, पहले आपने 605 कट मार्कर पकड़ लेना है, उसका ज्यादा काम नहीं होगा, जस्ट जो मेन हेडिंग्स होंगी उसके लिए हमने यूज करना है। इंशाइया तर्ज की हेडिंग दे दी, हिस्सा अवल की हेडिंग दे दी, हिस्सा अवल में आ जाते हैं इशार की तशरी, इशार की तशरी में हिस्सा नजम और हिस्सा गजल है। तो सवाल नंबर दो उसमें है हिस्सा नजम, तो उसमें अब आपने जो सा भी आपने अटेम्प्ट करना है अलिफ बे वो आपने बता देना है। आप अलिफ बे एंड बाद में भी दे सकते हो, पहले हिस्सा नजम की हेडिंग दे दो और फिर अलिफ बे की हेडिंग दे दो। इसमें आ जाता है 604 कट मार्कर, फिर पकड़ लें और इसमें नजम का उनवान और शायर का नाम इसकी आप हेडिंग दे दें। अच्छा, मैं एक ट्रिक बता दूं, मैं जब यूज़ करती हूँ पेपर अटैम्प्ट करती हूँ तो मैं इस तरह से इनकी कैप्स जो है वो लूज़ रखती हूँ। लूज़ रखने से ये होता है कि बार बार हम इस तरह हार्डली ओपन करना को बंद करना इस तरह टाइम वेस्ट होता है, तो हमने ओपन करके रखी होती है। ज़्यादातर जो है पेपर के दौरान ये दो ही यूज़ होते हैं, 604 और इंक पेन, तो मेन हेडिंग के लिए बस हमें इसको निकालना पड़ता है। तो यूज़ करके आप चाहे से साइड पर रख दें और इनको यूज़ करें इस तरह से, कैप लूज़ करके ये लिखा फिर ये लिखा। जब लेंथी के क्वेश्चन सॉल्व करने हो, मतलब कि जैसे कि तशरी करनी है, तो फिर आप जो है वो मार्कर साइड पे रख के आराम से रिलैक्स होकर सिर्फ इंक पेन पकड़े और लिखते जाएं। जब शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं उसके लिए इस तरह से बेस्ट है कि दोनों को एट अ टाइम होल्ड करें। तशरी की हेडिंग दी 605 से और तशरी लिखी, और कोशिश करें कि आप पैसेजेस की फॉर्म में लिखें और पैसेजेस भी सेम लाइन्स पे मत रखें, यानी 5 5 5 नहीं, थोड़ा डिफरेंट करते जाएं, कोई 4 लाइन्स पे कर दें, कोई 5 पे, कोई जैसे आप बुक पे देखते हो इस तरह से होने होते हैं, टॉपिक वाइज पे, टॉपिक पे डिपेंड करता है। तो 6 लाइन्स पे इस तरह से आप पैसेजेस बनाएं, खूबसूरती आएगी और अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। शेयर वगैरह अगर आपने ऐड करने हैं तो इस तरीके से ऐड करें, ठीक है। ये देखिए, ये तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, बुलेट लगाएं इस तरह से और यहाँ पे आप साइन लगाएं शेयर का और ये शेयर लिखें। इससे देखिए 3 लाइंस यूज़ हुई हैं और पता भी नहीं लगा, इससे लेंथ भी आपकी जो है वो तशरीह की ज़्यादा हो जाएगी और लगेगा आपने काफ़ी लेंथी तशरीह की है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिससे जो है वो आप जो है तशरीह या कोई भी चीज़ उसकी उर्दू में लेंथ ज़्यादा शो कर सकते हो इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से, एक और तरीका बताऊँगी, ये देखें इस तरह से दो कट्ठे लिखने। तो अब देखिए इसमें तशरीह अगर आप गौर से देखें तो एक तरह से वो दो पेजेस की ही है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि हमने 3 पेजेस पे किया है। वजह ये है कि हमने इसमें शेर ऐड किए हैं और इसको इस तरीके से लिखा है कि लाइन ज़्यादा यूज़ हुई है, तो इस तरीके से आप लेंथ ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद बे हिस्सा गज़ल, शायर का नाम मीर तक की मीर, इस तरीके से, क्योंकि अब आपको पता है गज़ल का नाम तो होता नहीं है गज़ल का, बस वो शायर का नाम बताना होता, तो शायर का नाम मीर तक की मीर। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट इशार होंगे 1 2 3 नंबरिंग के साथ, तो आपने नंबरिंग बता देनी है। और गुल को होता, क्योंकि आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, या पूरा शेर लिख लो या आप इस तरह से लिख लो, क्योंकि आपको पता है उर्दू में हमारी लाइन्स जो है टाइम शॉर्ट होता है, तो हमें तशरी पर ज़्यादा फोकस करना है, तो आपने शेर बस इशारा करना है उसको एग्जामिनर को कि आप इस शेर की तशरी करने लगे। गुल को होता सबा, पूरा शेर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके तो मार्क्स मिलने नहीं है, जो इसके अंदर शेर लिखेंगे उसके मार्क्स मिलने हैं, तो आप इसको पूरा मत लिख के बस 4 to 5 वर्ड्स लिख दो जिससे एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये शेर की तशरी है। फिर तशरी की हेडिंग दे मेन और फिर तशरी लिखें 2 पैसेजेस पे और इस तरह से 1 या 2 शेर जरूर ऐड करें इस तरह। ये देखें किन्ने अपनी मुसीबतें, ये भी अब शेर है इसकी तशरी करनी है, ऐसे तशरी की हेडिंग दी और इस तरह से। इसके बाद
सेम थर्ड पार्ट इस तरह से इसकी तशरीह की। अब हमने जो है वो इकतबास की तशरीह करनी है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ 3-4 लाइन जो है इसको वेस्ट कर देना है। आपने इसको लाइन इस तरह से कट कर देना है और नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। इसके बाद है हिस्सा दोम, 605 कट मार्कर से आपने हेडिंग देनी है हिस्सा दोम सवाल नंबर 3 इकतबास की तशरीह। इसमें अब जो भी आपने सिलेक्शन करनी है अलिफ बे वो आपने इधर लिखना है, और यहाँ पे आ जाता है हवाले मतन। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि आपने जो है वो नहीं बताया कि कौन सा पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिख रहे होते, इसलिए आप ये नंबरिंग ज़रूर दीजिएगा। फिर हवाले मतन में सबक का उनवान, मुसन्निफ का नाम लिखा, और फिर आपने 605 से सियाक व सबाक लिखा। ये जो तीनों हैं ये चारों मैंने 604 से लिखे हैं। इसके बाद फिर सियाक व सबाक अगेन आपने पैसेजेस की फॉर्म लिखना है, कोई 5 लाइंस का पैसेज, कोई 6 लाइंस का, कोई 7 का, इस तरह से। ये देखिए सियाक व सबाक हो गया, इस तरह तशरीह आ गई। तशरीह कोशिश करें सियाक व सबाक जो है 2 पैसेजेस में हो, यानी 10 लाइंस में जो है वो सियाक व सबाक के आ जाए, 10-12 लाइंस। इसके बाद तशरीह आ जाती है, तशरीह जो है वो 2.5 पेज की या 3 पेजेस की कीजिए। ये देखिए इस तरह से डिफरेंट पैसेजेस की फॉर्म में, ठीक है, तशरीह इसकी हो गई इसकी। और इसमें जो है वो आप शेर ऐड कर सकते हो, पर कोशिश करो इतने मत करो, सिर्फ एक से ज़्यादा मत करो। ये हो गया, और ये इस तरह से ये इसकी एंडिंग हो गई। को या एंड पे लिख लो एक शेर, या बीच में कोई एक ऐड कर लो, इससे ज़्यादा ऐड मत करो इकतबास की तशरीह में। इसके बाद आता है सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा सर सैयद के अखलाक व खसाइल। यहाँ पे आपको जो भी आपका खुलासे का नेम हो वो लिखिएगा, फिर मुसन्निफ़ का नाम, यहाँ पे एक लाइन छोड़ दें क्योंकि आपको पता है कि अंडरलाइन ही करनी है। मुसन्निफ़ का नाम फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप जो है वो इसका खुलासा स्टार्ट कर लें। ये भी पैसेजेस की फॉर्म में इस तरीके से, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे जो है वो आप खुलासे में कोशिश करें कोई भी शेर या कोई भी रेफरेंस ऐड मत करें, खुलासे में सिर्फ खुलासा ही लिखें उस सबक का, उस कहानी का, उस जो है वो जो सबक जो भी है आपका लेसन है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट आपने खुलासा लिखना है। इसके बाद नज़म का मरकज़ी ख्याल, नज़म का मरकज़ी ख्याल इसमें आ जाता है खिताब नौजवान इस्लाम, और ये जो है इसका नज़म का नेम है, इसमें शायर का नाम, इसमें भी जो है वो नज़म का मरकज़ी ख्याल, उसमें भी आप जो है वो शेर मत ऐड करें, इसमें भी एग्जैक्ट नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है वो ऐड करें। और ये भी आप 10 लाइन से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा, क्योंकि आपने नज़म पहले शॉर्ट होती है और उसका मरकज़ी ख्याल भी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आएगा। नज़म थोड़ी लेंथी होगी तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मरकज़ी ख्याल, अगर नज़म शॉर्ट है तो शॉर्ट हो जाएगा। 10-15 लाइन्स का आप आइडिया रखिए। इसके बाद आता है सवाल नंबर 6, मुकालमे में वैसी जो भी मुकालमा है मुसाफिर और टैक्सी ड्राइवर के दरमियान या जो भी है वो टाइटल लिखा। इसके बाद ये आपने इस तरह से मुसाफिर ड्राइवर ये 604 से लिखा मैंने, और मैंने आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के दिखाई। इंग्लिश में भी लिखने का तरीका बताया, उर्दू में भी। ये देखिए एक पैटर्न में जो है इस तरह कॉलन्स आ रहे हैं, और बार बार मैंने मार्कर खोल के पेन से लिखा, फिर मार्कर खोल के पेन से लिखा, इस तरह काम नहीं किया मैंने। एक बार मैंने मुसाफिर मार्कर से लिख लिया, उसके बाद फिर मैंने सारा मुकालमा लिख लिया, और जब भी मैंने एक बात स्टार्ट की तो मैंने इसी गैप के नीचे लिखना शुरू किया, ताकि मुझे पता था कि मैंने कॉलन इसी गैप के साथ इधर लिख ड्रॉ करने हैं। फिर जैसे ही मैंने सारा मुकालमा कम्प्लीट कर लिया, और यहाँ पे फिर मैंने मार्कर से मुसाफिर ड्राइवर जहाँ पे भी बात अलग से स्टार्ट होती है इस तरह से फटाफट मार्कर से लिख लिया, उसके बाद स्केल पकड़ के यहाँ पे ऐसे इस तरह से कॉलन लगा दिया। ये देखो फिर एक पैटर्न में आ रहे हैं, खूबसूरती आ रही है, इस प्रेजेंटेशन आ रही है, और इसके लिए बिल्कुल टाइम जो है वो एक्स्ट्रा नहीं लगा, ठीक है। ये मुकालमा हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 6, रुदाद नवेसी है, एक मुशायरे का आंखों देखा हाल, और ये इस तरह से आपने इसके रुदाद लिखा, क्योंकि ये मुशायरे पर रुदाद है इसलिए इसमें बेतहाशा इशारे आएंगे, और जिस तरह की रुदाद होगी उस टाइप की आपने इसमें ऐड करने हैं शेर। इसके बाद सवाल नंबर 7, दरख्वास्त नवेसी, और इसमें जो है वो टॉपिक का नेम, और फिर इसके बाद दरख्वास्त लिखी हमने, ठीक है, जो भी इसकी प्रॉपर लेंथ है, 1.5 ही हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगी, या 1 या 2 पेजेस की, इस तरह से। और एंड पेयर्स गुजार, ये नाम और ये डेट हमने मार्कर से लिख दी, और डेट बिल्कुल करेक्ट जो है वो सिंटैक्स के साथ लिखिएगा। फिर सवाल नंबर 8 जो है तलखीस नवेसी में उनवान, और जो भी इसका उनवान बनता वो लिखा, तलखीस उस पैराग्राफ की तलखीस होगी। इस तरीके से अगर आप पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह आपके फर्स्ट ईयर में उर्दू के मार्क्स जो है बहुत ज़बरदस्त आएंगे, और आप जो है वो अगर टॉपर बनना चाह रहे हैं तो इंशाल्लाह ये उर्दू का पेपर में कहीं से भी कमी नहीं रहेगी, और अगर आप जो है वो एवरेज स्टूडेंट है तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और किसी सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर जो मिसिंग है वो आप कमेंट करें, मैं उसके लिए प्रेजेंटेशन रेडी करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।